नमस्कार प्रणाम, कैसे हो आप सब? हम तो ठीक है, आप लोग भी ठीक होंगे। स्वागत है अपने चैनल प्रीतम के सपोर्ट में। आज बात करने वाले हैं, सहारा ने 18 जिलों में आज से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, इसी के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी सहारा से रिलेटिव अपडेट लेके आऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, वीडियो देखे जा सके क्या आज का नया अपडेट। चलिए दोस्त वीडियो चालू करते हैं। सहारा इंडिया का पैसा लोगों की मेहनत की कमाई फंसा हुआ है। सहारा इंडिया का पैसा प्राप्त करने के लिए लोग भटक रहे थे, लेकिन उनका एक मंजिल मिल चुका है, जिसमें अमित शाह जी के द्वारा बताया गया है कि सभी का पैसा 4 महीने के भीतर मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सहारा के द्वारा पत्र जारी में बताया गया है कि 3 करोड़ रुपये भुगतान के प्रणाली में दिया गया है। आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सहारा सेवी अकाउंट से 5000 करोड़ रुपये निकालकर सहकारिता मंत्रालय को दिया जाए, और सहकारिता मंत्रालय सभी निवेशकों का पैसा वापस करेगी, और जितने भी निवेशक कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं उन्हें पैसा दिया जाए। इसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जिम्मेदारी दी गई है। सेंट्रल रजिस्ट्रार अपने पूरे कार्रवाई में यह ध्यान देगी कि जिनका सत्यापन कराया पूरा हो चुका है उन सभी का पैसा वापस करेगी, क्योंकि बहुत सारी निवेशकों का पॉलिसी मजबूत हो चुका है और उन्हें 9 महीने के भीतर पैसा ब्याज सहित वापस मिलेगा। आपको बता दें कि भुगतान की प्रक्रिया को लेकर अमित शाह के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भुगतान की प्रक्रिया को लेकर पूरे जोर शोर से काम चल रहा है, और यह आने वाले 4 महीने के भीतर में सभी का पैसा वापस मिलेगा। आपको बता दें कि यह स्पष्ट किया गया है कि 10 करोड़ निवेशकों का पैसा तकरीबन वापस होगा, और इन सभी का पैसा सभी का ब्याज सहित वापस होगा। हालांकि कितना और कब मिलेगा इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी सहारा से रिलेटिव न्यूज़ लेके आऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, वीडियो देखकर जान सके क्या आज का नया अपडेट। फिर मिलते हैं किसी नए से वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।